हमारी जिम्मेदारी भी कुछ है, क्या इसी तरह बढ़ेगा देश आगे, यह सोचनीय विषय है। नवरात्रा का महापर्व शक्ति रूप में माना जाता है और आज गांधी जयंती है, इसे शांति और अहिंसा का पर्व भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने जिस तरह से शांति और अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि ऐसे नायक महात्मा गांधी के रूप में देश को मिले और आम जन ने भी उनका अभूतपूर्व सहयोग किया। इसी तरह से हर क्षेत्र में नायक मजबूत हो और टीम भी उसकी मजबूत हो, पूरी सहयोग करे तो सफलता जरूर मिलती है, लेकिन नायक मजबूत भले ही हो और उसकी टीम अगर उस अनुरूप नहीं हो तो सफलता मिलने में संदेह हो जाता है। ऐसा ही नज़ारा जिलों की नगरी उदयपुर में देखने को मिला, जहां पर पुलिस के कप्तान आम जन को मनाने के लिए सड़कों पर समन्वयकारी नीति अपना रहे हैं, कभी चॉकलेट बांट रहे हैं, कभी फूल देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। वहीं उनके कारिंदे जो किसी रूप में आम जन के साथ अभद्रता पर उतर आए हैं, किस तरह की अभद्रता की आम जन के साथ और किस तरह का परिणाम उनको भुगतना पड़ा, नायक के साथ उसकी टीम का साथ होना बहुत ही आवश्यक है, तभी सफलता मिलती है। हम सभी आज नवरात्रि के महापर्व पर और गांधी जयंती के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम अपने नायक का सम्मान करें, हम अपने नायक का अनुसरण करें, तभी हमें सफलता मिलेगी और देश और दुनिया का विकास होगा। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आम जन की सुरक्षा के लिए और अपराधियों में भय के लिए पुलिस तंत्र काम करता है और इसी तंत्र को मजबूत करने के लिए इसके अधिकारी आम जन को मनाने के लिए सड़कों पर भी उतरते हैं, इसी से आम जन में विश्वास जगता है। ये पुलिस अधीक्षक हैं उदयपुर, उदयपुर पुलिस टीम के कप्तान विकास कुमार शर्मा। ये आम जन को हेलमेट के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास भी रंग ला रहा है, इनको ये चॉकलेट बांट रहे हैं और मन और मुंह मीठा करा रहे हैं, किसी को पुष्प देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसा करने से आम जन में पुलिस के प्रति प्रेम बढ़ा और विश्वास भी बढ़ा, लेकिन पूरी टीम या पूरे सिस्टम में एक पहलू भी अगर काम सही रूप में नहीं करे तो जो आम जन में पुलिस के प्रति जगा विश्वास और अधिकारियों के मिशन में संदेह का आलम होगा। हालांकि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस कप्तान ने कड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन गांधी जयंती का मुख्य उद्देश्य चाहे प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो, सभी का एक ही उद्देश्य है, शांति भाईचारा स्थापित हो, तभी हमारे को सफलता मिलेगी।